जनाब मेलोडी टाइम खुश आमदी आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड शाइन इसी तरह चमकते दमकते रहिए और खुश रहिए दोपहर के इन पलों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं ख्वाजा साहब और मुझे कहते हैं अमीशा जनाब मेलोडी टाइम में सितारों के झुरमट से एक बड़ा खूबसूरत सा सितारा हमारे साथ आज मौजूद है आम, फिल्मों में आप उनको देखते रहे हमेशा और हर दिल की धड़कन बनी रही अपने टाइम पर और अभी तक आ, वो सबके दिलों पर राज कर रही हैं फिल्म बाज़ी से लेकर बाजी तक उन्होंने तमाम की तमाम सुपर हिट मूवीज़ दी और हर दिल पे राज किया और हर दिल की धड़कन बनी रही और आज तक सबके दिलों पे राज करती आ रही हैं हमारे साथ हैं वन एंड ओनली द ब्यूटिफुल द निशो अस्सलाम असलकुम अमीशा थैंक यू सो मच फॉर सच एंड नाइस इंट्रोडक्शन uh, और uh, मेरे ख्याल है सात नजमुल हसन साहब हैं जी जी जो हमारा एक हमारे मतलब फ़खर है हमारा जी। uh, और हमेशा मीडिया पे ये एक इनके बारे में कहूंगी आइंदा की खबर तो खुदा ही को खूब है अब तक तो जिस जमीन पे रहे आसमा रहे ब्यूटीफुल देखिए जी निशो जी ने मेरे हाँ। साथ बहुत मेरी एक तो पुरानी दोस्त भी है अच्छा। और हमने पीटीवी पे बेशुमार शोज किए हैं हाँ। लाइव शोज किए हैं अच्छा। और इन्होंने कभी शायरी के लिए मैं इनको बुला लेता था कभी किसी फिल्म की होती थी प्रीमियर उस पे वो आ जाती थी अपने फिल्म के किसी रिव्यू के लिए मैं बुला लिया करता था तो देखिये मेरा उनके साथ सात सेवेंटी है Oh, और देखिए फिल्म बाजी जो है आ, 1970 हमारे बहुत ही अच्छे ہدایتकार थे आ, एक, एक बहादुर साहब अच्छा उन्होंने एक बड़ी क्लासिक किस्म की फिल्म बनाई और उनकी हर फिल्म बे से शुरू होती थी बंजारन बदनाम बेटी, बेटी और ये बाजी <laughs> अच्छा, अच्छा अब हम इनसे पूछेंगे कि उन्होंने कैसे ग्रूमिंग की उनकी और उनकी बेगम ने सही जी बताइए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये और मैं चाह रही थी कि पहला सवाल और पहला जो हम इसका ये जो इनिशियल हम मेरे इंटरव्यू का पार्ट है वो इन लोगों के जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मेरी ग्रूमिंग की आ, उनके हवाले से ही हम शुरू करें मिसेस इकबाल शहजाद जो आबदा हसन जिनको कहते थे वो इकोनॉमिक्स कॉलेज में, में पढ़ाती हाँ। थी बहुत ही नफीस खातून बड़ी हसीन खातून और इकबाल शहजाद आप तो बहुत ही एक फादरली डील करते थे और बिल्कुल अक्सर मतलब ही वाज हाईली एजुकेटेड मैन लेकिन वो आ, पंजाबी में अक्सर कह देते हैं कुड़िए तू तू सही काम कर रही है और तू बहुत मेहनती है तो आ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाना और दो बड़े स्टार्स और के साथ और दो बड़े स्टार्स हाँ। के साथ अच्छा एक बड़ी अमेजिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस फिल्म में वहीद मुराद और नदीम थे जी तो मैं बिल्कुल न्यू कमर थी तो वहीद मुराद ने किसी वजह से वो फिल्म रिफ्यूज कर दी काम नहीं किया तो अच्छा, फिर अली भाई मोहम्मद अली साहब को हम अली भाई कहते थे अच्छा, तो फिर अली भाई को लिया तो इस तरह दो सुपर के साथ एक नई लड़की आई वॉज गर्ल एट दैट टाइम लड़की थी काफी छोटी उम्र में आप आई टाइम मैं मैट्रिक का एग्जाम देके आ आई थी और जब अच्छा। ये गाना पिक्चराइज करवा रहे थे तो कोई शख्स लाहौर से आया था तो मेरे घर वालों ने उन्होंने कहा फर्स्ट डिवीजन आई है तो मैंने वो गाना ठहर भी जाओ सनम पिक्चराइज करवा रही थी तो फिर मैंने मिठाई मंगवा के स्वाद में पता नहीं कहाँ से मिठाई लाए वो लोग और मैंने मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की थी और सबको जी बिल्कुल साहब मुझे बे... उस वक्त इतना शोर नहीं था कि इतने बड़े कंपोजर हैं ये जरूर था इतना इतनी सेंस थी कि दो बड़े हीरोज हैं नदीम और मोहम्मद अली ये मुझे पता था कि बड़ा गुनगुनाओ थोड़ा सा तो फिर आगे से गाना हम लगा दें वैसे आपकी मेरी गाने की बात नहीं हुई थी <laughs> थोड़ा सा गुनगुना दो थोड़ा सा हल्का गुनगुनाइए तो सही हमारे लिए ठेर भी जाओ सनम तुमको मेरी कसम ब्यूरो ना मेलोजी टाइम आप सुन रहे हैं ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि सुनो डिजिटल पर आप देख भी रहे हैं ख्वाजा नजुम हसन और अमीशा खुल हॉ स्टूडियो में और सितारों की झुरमर से एक बड़ा खूबसूरत सितारा जिन्हें ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है आज हमारे साथ मौजूद है निशो और निशो से हम बड़ी खूबसूरत सी कन्वर्सेशन ऑफर भी जा रही है और साथ ही साथ हम जैसे ही ऑनर आते हैं तो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं अपने फेसबुक के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू आप लोग फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक स्लाइस सुनो पाकिस्तान और मेलोजी टाइम

मैसेज कर कर जरूर शेयर कीजिए जी गुफ्तु को आगे बढ़ाते हैं निशो एक बहुत पीक टाइम माशाल्लाह आपने देखा और उस पीक टाइम में हरोइंस को किस आ, उनकी कैटेगरी हिरोइन की क्या थी किस लेवल पे जाकर उनको जो है वो अप्रोच किया जाता था कितना आसान था उस दौर में हीरोइन बनना और आजकल के दौर में और तब में क्या फ़र्क था थोड़ा सा ये हमें बताइएगा हमारी यूथ को उस वक्त में और उस वक्त हीरो हीरोइन का वही मकाम था जो आज लीडर का मकाम है अच्छा जैसे चाहे <laughs> वो करे अच्छा। जिस तरह चाहे वो परफॉर्म करें और फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता था हाँ। हीरो हीरोइन को इससे बड़ा कोई नहीं था शोबिस में फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा। और बड़ी स्क्रीन पे आ जाना ही बड़ी बात है हुँ, हुँ, तो इस तरह हम लोग भी बड़ा प्राउड फील करते थे कि अपने मुल्क के हम सुपरस्टार हैं एज हिरन ही मैं आई और बड़ी फिल्म में आई बड़ी प्रोडक्शन में आई बड़ी कास्ट के साथ आई तो अपॉर्चुनिटी मिल जाना ये ये लक की बात है अच्छा। आई 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 लकी, लकी। तो आ, आज भी उस वक्त भी लेकिन आज बड़ी स्क्रीन का बड़ी स्क्रीन का वो चाम खत्म हो गया थोड़ा तो अब ये है कि लोग लेकिन बड़ी आर्टिस्टों के लिए फिल्म के लिए बड़ी स्क्रीन का एक अपना ही नशा होता है हाँ, हाँ, और आ, उसका जो आ, एक चीज एक है और फैन फॉलोइंग दैट इज वंडरफुल तो, अच्छा एक बात मैं बताता चलूं कि निशो ने हमेशा टॉप के जो हमारे हीरोज होते थे उनकी जो होम प्रोडक्शंस थी उसमें ज्यादा काम किया अच्छा एक नीलो बेगम की फिल्म आई थी बहिष्ट रियाज शाहिद ने लिखी थी उनकी होम प्रोडक्शन थी अच्छा। रियाज साहब का इंतकाल हो गया नीलो बेगम ने उसको प्रोडक्शन आगे जारी रखी उसमें दो गाने बेहद पे अच्छे कहानी भी बहुत अच्छी थी नैर सुल्ताना थी उसमें निशो थी और नदीम अच्छा।, अच्छा अच्छा उसमें दो गाने थे कल तक जो कहते थे अपना आज वही बेगाने हैं याद है निशो जरा बताइए बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत गाना इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि हालात के असर से बड़ी बेनियाजियां हालात के असर से बड़ी बेनियाजियां दोनों की जिंदगी के तकाजे बदल गए बदल कुछ आपने भी हमको फरामोश कर दिया कुछ हम भी एहतियात के सांचे में ढल गए ब्यूटिफुल क्या जौक हो अच्छा ये बताएं कुछ इसके बारे में ए, इस पिक्चराइजेशन के बारे में बताइए बड़ा हसीन इट वॉज ब्यूटिफुल्ड वेरी कॉम्प्लीकेटेड डिफिकल्टोंग टू पिक्चराइजेशन फॉर पिक्चरा इसलिए के इतना मैडम ने पता नहीं कहाँ से बोल छोड़े है और कहाँ से कितने क्या सुरों का जो अप्स एंड डाउन और वेरिएशन थी वो तो मैं फॉलो ही नहीं कर सकी और मुझे सबसे जिंदगी में गाना जो मुश्किल लगा पिक्चराइजेशन में दैट वॉज कल तक जो कहते थे अपना आज वो आज ही गाने और उसी फिल्म का एक और गाना कभी दिन ढल जाए जी नहीं तो का गाना दैट अ लव सॉन्ग रूटीन का गाना था बहुत अच्छा गाना था जी जनाब मेलोडी टाइम ख्वाजा नजमुल हसन और अमीशा आपसे मुखातब आप, आप लोग ना सिर्फ हमें सुन रहे हैं सुनो एफ़ एम ए नाइन पॉइंट फोर के नेटवर्क से बल्कि आप हमें देख भी रहे हैं सुनो डिजिटल पर इस वक्त सितारों की दुनिया से एक बड़ा खूबसूरत सितारा हमारे साथ मौजूद है और जैसे कन्वर्सेशन अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं ड्रीम गर्ल निशो इस वक्त लाहौर स्टूडियो की रौनकें बहाल किए हुए और निशो एक आपने बड़ा पीक टाइम अपना देखा और आपका हर तकरीबन हर दौर में एक डिफरेंट अंदाज रहा तो आजकल अगर हम आपको देखते हैं तो आप अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में या किसी न किसी कन्वर्सेशन में आपकी शायरी जो है वो बड़ी इन्वॉल्व होती है और बड़ा खूबसूरत एक अंदाज़ है तो शायरी से शगफ कब आपको हुआ मैंने एक्चुअली अपने बारे में इतने शेर सुने हैं इतने शेर सुने हैं कि मैं ख़ुद शायरा हो गई हूँ और ख़ुद मुझे शौक़ भी था बचपन से पढ़ने का शौक़ था फिर लिखने का शौक़ पैदा हुआ अच्छा। तो कोशिश करती हूँ रोमांटिक शायरी तो मैं आ, लिखती हूँ अच्छा। और आ, कोशिश ये करती हूँ कि जो हसब हाल मतलब जिस तरह का माहौल हो और जिस तरह का एक ट्रेंड चल रहा हो जैसे आजकल जो कोरोना है वो जेर बहस है और हर शख्स के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है तो उसके बारे में मैंने चंदाशार लिखे हैं जो कोरोना से ही रिलेटेड है और वो मैं आपको सुनाऊंगी जी 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 कोरोना की एहतियात करोना कोरोना की एहतियात करो ना दूर दूर से बात करो ना टच नहीं इन टच है रहना फासले से मुलाकात करो ना और दहशत गर्दी और महंगाई सबको दे गया मात करो ना हाथ धोकर ये पीछे पड़ गया खत्म से धो दो हाथ करोना और अपने रब से माफ़ी मांगो सदकाओ खैरात करो ना वाह 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 थैंक यू अच्छा जी वापस आते हैं फिर मौसिकी की तरफ और आपके एक फिल्म आई थी नाशाद साहब का म्यूजिक था तस्वुर खाना आपके लिए जी. और उसके बोल कुछ इस तरह थे कि वो बाहर भी स्मगल हो गया वो गाना जी, जी, अगर तुम तो मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, छोड़ बताइए कुछ माशाल्लाह हमारी क्रिएटिविटी और हमारे शायर हमारे कंपोजर हमारे लिखने वाले बनाने वाले गाने वाले दे आर वेरी टैलेंटेड दे हैव बिन वेरी टैलेंटेड बहुत अच्छा लिखा गया और ज्यादातर हम आ, जो भी लिखते थे और जैसे मैं थी मेरे ऊपर किसी की छाप नहीं थी hmm. मैं ओरिजिनल एक्टिंग hmm. मतलब क्रिएट करती थी कि मुझे हुँ, ऐसा करना है स्क्रिप्ट लिखा हुआ है या या करेक्टर ढलना उसमें ढलना और वन थिंग इज 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 वेरी वेरी दैट इन एक्टिंग आजकल के जो एक्टर्स हैं ना उनको सीखना चाहिए और बल्कि बहुत से सीखे हुए भी हैं लेकिन जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में अच्छा पहले ये सुनना लें गाना उसके बाद जी जी बिल्कुल हम इस गाने की तरफ आते हैं और इसके बाद आते हैं वापस हमारे साथ रहिएगा दोपहर का ये खूबसूरत पहर ख्वाजा नजुमल हसन और अमीशा आपके साथ मेलोडी टाइम को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों की कन्वर्सेशन जो है वो हमें कमेंट्स के थ्रू मैसेजेस के थ्रू मिल रही है थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग आप लोग ट्रिपल एट वन पर मैसेजेस कर रहे हैं इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पर ज्वाइन किए हुए हैं फेसबुक लाइव सुनो पाकिस्तान और मेलोजी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोगों के कमेंट्स हमें मिल रहे हैं साथ साथ इसके अलावा ट्रिपल एट वन पर आप लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए सुनो लिखिए स्पेस दीजिए अपना नाम अपने शहर का नाम और खूबसूरत सी बात जो कि आप निशो से करना चाहते हैं ये ड्रीम गर्ल आपकी भी रही होंगी डेफिनेटली और आज भी हैं बहुत से लोगों की हमारी भी ड्रीम गर्ल है आप ड्रीम गर्ल से कोई बात करना चाहते हैं तो जरूर हमें मैसेज कीजिए और ट्रिपल एट वन पर इसको सेंड कर दीजिए साथ साथ आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे हमें सबा गुल ने ज्वाइन किया है और इसकी शो पसंद कर रही हैं बहुत शुक्रिया सबा काशिफ ने हमें एबटाबाद से मैसेज किया है और काशिफ कहते हैं ड्रीम गर्ल का एक बहुत खूबसूरत गाना वैसे सब तो सोनिया तो आ, ये आ, ये इन ये गाना हमें आ, सुनना है और इस गाने के बारे में कुछ बताएं अच्छा जी, जी। बताएं काशफ ने पूछा है बटाबाद से आ, फिल्म रंगीला मेरी दूसरी फिल्म थी अच्छा तो ये फिल्म साइन की तो उन्होंने पहला सेट ही बहुत बड़ा सेट अच्छा इट वाज अ ह्यूज सेट और बहुत ज्यादा इसमें लड़के लड़कियां जो को स्टार्स थी जो एक ड्रीम सॉन्ग में एक होती हैं हीरोइन के साथ आ, वो वो बहुत खूबसूरत और ग्लैमराइज करके ये गाना उस दौर में पिक्चराइज किया गया और इसमें ये था कि एक बदसूरत शख्स है जो रोल रंगीला ने किया था वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता है अच्छा और ये जो ड्रीम गर्ल होती है उसमें वो कहती है कि उसके एक्चुअली वो बेवफाई का शिकार होती है तो वो समझता है कि ये उसे हंसाने के लिए उसके वालिद ने उसको बुलाया होता है कि मेरी बेटी जो है डिप्रेशन का शिकार है तो ये मस्कराए हंसाएगा अच्छा तो वो उसकी बात पे हंसती है वो तो वो ये इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि शायद ये मुझे प्यार करने लगी है अच्छा। तो वो ख्वाब देखता है हाँ। और कहता है कि मैं तो मेरी माँ कहती है मैं दुनिया का सबसे हसीन आदमी हूँ अच्छा। तो वो ये ख्वाब देखता है और उसमें ये लड़की गाती है वे सब तो सोनिया हा, हाय वे हा। मैं तेरी हो गई प्यार विच हो गई और तो नौकरी होंठ मरमरी बाहें जिनसे किरने बदन चुराती हैं ये तो चीजें हैं आसमानों की ये जमीन पर कहाँ से आती है वाह Ahí es un té. और जनाब इतना खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना और लाहौर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ ड्रीम गर्ल निशो और कन्वर्सेशन बड़ी खूबसूरत सी हो रही है ऑफर भी इसके साथ ही इस साथ ऑनर भी ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो हमें रिसीव हो रहे हैं साथ साथ मेलोडी टाइम के लाइव स्टेटस पर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक स्लाइस सुनाओ पाकिस्तान और इस लाइव स्टेटस पर आप लोगों की जो कन्वर्सेशन है या आपके जो सवालत हैं जो आप निशो से करना चाहते हैं आप हमें भेजिए गुफ्तु को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं ट्रिपल एट वन पर आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के राइट right मैसेज में जाकर सुनो लिखिए स्पेस दीजिए अपना नाम अपने शहर का नाम और निशो से जो भी आप बात करना चाह रहे हैं बात कीजिए ट्रिपल एट वन पर आप इसको सेंड कर दीजिए कोई फेवरेट इनका गाना कोई मूवी के हवाले से आप बात करना चाहें जो आपकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो अच्छा निशो को आप किस हीरो के साथ ज़्यादा पसंद आपने किया कौन सा हीरो जो है वो निशो के साथ आपको लगा कि यार ये परफेक्ट जोड़ी है तो उस हवाले से भी हमें ज़रूर बताइएगा मैसेज के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू अच्छा खाजे साहब आपको क्या लगा कि निशो किस हीरो के साथ परफेक्ट जोड़ी लगी है देखिए नदीम साहब के साथ बहुत इन्होंने अच्छा लगा इनका अच्छा, और वही मुराद भी थे हाँ, गुलाम महुद्दीन भी, हाँ, हुलाम एक, में, भी। में, हाँ। एक फिल्म में सोसाइटी गर्ल एक फिल्म आई थी संगीता की पहली डायरेक्टर अच्छा उसमें संगीता भी थी और निशो और एक गाना तो निशो ने सबको पीछे छोड़ दिया तेरे कदमों में बिखर जाने जी जरा जा, ना ऐसे थोड़ी हम गाना लगाएंगे <laughs> तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है खूबसूरत से गाने में मैं तो कहीं खो ही गई थी और इमेजिनेशन में निशो को मैंने जैसे देखा वाकई में बहुत खूबसूरत बहुत हसीन और एक वाकई एक इमेजिनेशन में बंदा ड्रीम करता है ना कि यार इस तरह की गर्ल होनी चाहिए मेरी लाइफ में तो ये ड्रीम गर्ल का जो टाइटल है ये कैसे मिला ये खिताब किसने दिया आपको ये खिताब पब्लिक ने दिया अच्छा और पब्लिक से बड़ा रिवॉर्ड पब्लिक से बड़ा खिताब और पब्लिक से बड़ा रिस्पांस कोई नहीं होता देखो ये तो फिल्म बाजी से मिल चुका था निशु आपको हाँ, हाँ। ये आपको लोगों ने पब्लिक ने कहना शुरू कर दिया ड्रीम गर्ल दो हीरोज की आप हीरोइन थी और वो भी टॉप के दोनों नदीम और मोहम्मद अली साहब जी जी हाँ तो लेकिन चूंकि उसमें ड्रीम गर्ल थी ना हाँ। तो वो पूरी फिल्म ही इस पे बेस करती थी जो रंगीला फिल्म थी ना जी, वो अच्छा। भी, वो भी हाँ, वो इस पे बेस करती थी और यू uh, नो uh, you know, uh, ये जो है सब तो सोनिया अभी तक uh, दिस इज हिट सॉन्ग जी हाँ तो और और ये ये भी गाना आजकल जो है वो बड़ा सुना जाता है तेरे कदमों में बिखर जाने को बहुत बहुत एक फिल्म आई थी अंगारे अगर आपको याद हो फरीद अहमद इसके डायरेक्टर थे शमीम आरा नदीम फिर नदीम हीरोइन के साथ अच्छा, और निशो अच्छा ज्यादा उस... फिल्में मैंने नदीम के साथ की हैं अच्छा। और वहीद मुराद के साथ वहीद मुराद मेरा अपना फेवरेट हीरो था और नदीम भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और अली भाई तो लगता था कि जैसे कोई अपने बड़े भाई हैं या मतलब जो मर्जी उन्होंने हमेशा अच्छा, तू करके बुलाना है डांटना भी है अच्छा उसमें फराज़ की गजल करना है जी जी याद होगा जी जी जरा पढ़ के बताओ ना फिर हम लगाते हैं अब के हम बिछड़े तो अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें उसका इसका वो कैफियत है कि जाते हुए कहते हो kıyamat को मिलेंगे क्या खूब kıyamat का भी होगा कोई दिन और ये मिर्ज़ा ग़ालिब गालिब शेर है और इस गाने में सीम कैफियत है टाइम सुन रहे हैं आप दो से चार होती हैं आपसे हमारी मुलाकात ख्वाजा नजुम हसन और हमेशा आपके साथ फेसबुक पर आप लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं हमारे फेसबुक के पेज पर थैंक यू सो मच फेसबुक स्लाइव सुनो पाकिस्तान और मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं हमें जकिया ने ज्वाइन किया और कह रही हैं इनके दौर की हिरोइन और इनके जोड़ की हिररोइन और कोई नहीं आई जकिया ने आपकी तारीफ में कहा है ने so और, you और कह रहे हैं कि जी शो को सलाम और अमीशा आज आप हमारे लिए गेस्ट बहुत खूबसूरत लेकर आती हैं थैंक यू सो मच पुरानी यादें ताज़ा हो गई अच्छा आ, ये भी बताते चले हाँ। अपने व्यूअर्स को भी जो देखने वाले सुनने वाले हैं कि हमारे ये एक सरप्राइज पैकेज होता है मेलोडी टाइम जिसमें कभी कोई टॉप एक्ट्रेस होगी हाँ। सिंगर्स तो होते सिंगर्स ही हैं, डायरेक्टर्स तो भी होंगे हाँ। यानी और हर तरह की जो है ना आपको हाँ, वैरायटी मिलेगी हाँ, हम हाँ। हाँ आपको जो है वो एक मेलोडी uh, टाइम को बड़ा कलरफुल सा टाइम बना देंगे आपका बड़ा मेमोरेबल टाइम बना देंगे तो जनाब थैंक यू सो मच आप लोगों की कमेंट्स का बहुत शुक्रिया इसके अलावा मुसरत ने हमें मैसेज किया है ट्रिपल एट वन पर शो पसंद कर रही है बहुत शुक्रिया और कह रही है निशो से पूछिए कि इनका अपना फेवरेट गाना कौन सा है इनकी फिल्म का मेरा अपना फेवरेट गाना मसरत है एक गाना है हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात वाह और उसमें शाहिद थे इनके साथ। जी मेरे साथ थे थे, 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 तुर। मुझे तुर। याद तुर। आ गया जबरदस्त खाजा साहब आप सुना माशाल्लाह पता है वैसे खूबसूरत लमहत आप हमारे साथ बता रहे हैं सुनफ है नाइन पॉइंट फोर पे टू टू फोर हमारा आपका साथ रहता है हमारे साथ है जनाब नजमुल हसन और जनाब निशो द ड्रीम गर्ल हेयर इन लाहौर स्टूडियो और मुझे कहते हैं अमीशा थैंक यू सो मच फॉर पार्सपेयरिंग मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू आप लोग हमारे शो का हिस्सा बने हुए हैं और खूबसूरत बना रहे हैं इस शो को मजीद थैंक यू सो मच हयात गुल ने भी आ, निशो के लिए बेस्ट विशेज कही हैं और कहा है हमेशा खुश रहिए और आरिफ ने कहा है आरिफ कुरैशी कहते हैं हैं। हैं कि कि आप आज भी उतनी ही हसीन Thank आ, you so much, हलीमा <laughs> ने 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 से किया किया? है और हलीमा कहती है कि निशो अपने निशो ने अपने को स्टार्स में किसके किसके साथ रही? किस साथ रही, काम किया? <laughs> आ, हलीमा ने पूछा। ये क्योंकि <laughs> मेरे के लिए सारे ही मेरे हीरोज बहुत ही ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री रही क्योंकि सब लोग उस वक्त अपने काम में बहुत ज्यादा अपने काम पे फोकस करते लेकिन थे है। की बात हो रही है कि साथ, साथ ज्यादातर संगीता रही है एक फिल्म जुबैदा थी उसमें बाबरा थी हाँ। शमीम शमीम बाजी थी वहाँ बिल्कुल वो भी बड़ा प्यार करती थी भी नैयर सुल्ताना हमारी जानना भी आपके एक्सप्रेशन है तो एक चीज मैं पूछूंगा निशो जी जी। फिर जी हमारी बड़ी प्यारी हीर उनके बारे में मैं जिस दिन भी आपके घर जाता वो वहां बैठी होती थी और जब कुरैशी साहब बीमार थे मुझे याद है कि वो भी हर वक्त वहाँ पे होते उनके बारे में कुछ बताइए आई एम स्पीचलेस इतनी बड़ी शख्सियत वो फिल्म के एतबार से इंसानियत के एतबार से और मैं क्या कहूँ हमारे मुल्क के असासा के अतबार से हमारा एसट थी वो और इतनी बड़ी इंसान थी कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और मैं यही कहूँगी कि बिछड़ा कुछ ही सदासे की रुत ही बदल गई एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया ऐसा ऐसी फनकारा थीं जो हर रोल निजी ज़िंदगी में भी उन्होंने हर रोल को परफेक्टली परफॉर्म किया अदा किया अपनी ड्यूटीज अपनी मोहब्बतें अपनी चाहते जैसे फिल्म में परफॉर्म करती थी इस तरह उन्होंने अपनी फैमिली के हर रिलेशनशिप को बड़ी आपकी बेटी भी से तो उनकी बहू थी ना मेरी वो समन थी और बड़ी खूबसूरत बात है कि एक दो दफा मैं उनके घर गई तो मैं तकल्लुफ़ में खाना नहीं खाती थी हुँ. तो मुझे डांटा खबरदार समधन बनने की कोशिश की चलो खाना खा तो मैं की कहती मेरे घर में आके तुमने ये तकल्लुफ़ नहीं करना और जब खाना चाहे तुम्हें मिले चुप करके इधर तुमने कोई हम मतलब हमारा कल्चर ये थोड़ा ही है कि जाओ होते ना कि मेरी दूसरी में कि वो दूसरे मजहब में हिंदू बेटी के घर से पानी आ, हमारे हां कहते हैं हमारे हां बिल्कुल ऐसा नहीं तो बड़ा फ्रेंडली रहती थी हुँ. और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मेरी बेटी बीमार थी हॉस्पिटल में फर्स्ट बेबी जब उसका हुआ है तो ये मतलब शादी को 1.5 साल हुआ था तो मैंने मैं भी आई वाज आल्सो वरिड कि वो अंदर लेबर रूम में है तो ये सारी फैमिली बाहर खड़ी हुई थी वुड यू बिलीव इट के सारे ससुराल वाले ये एक बहुत बड़ी मिसाल है बड़ी एग्जाम्पल सेट की है सारे ससुराल वाले बाजी फिरदौस उसका मियाँ सारे रो रहे थे मेरी बेटी के लिए और मैं उनको चुप करा रही थी मैं माँ होके उनको चुप करा रही थी उनको तसल्ली दे रही थी उसके बाद मुझे अपनी बेटी की किस्मत पे वो फख्र हुआ, रश्क हुआ। वो रश्क हुआ <laughs> और मेरे दिल से दुआ निकली है कि ये मोहब्बत ये प्यार अल्लाह ताला इसी तरह कायम रखे वाँ। और दूसरों की बेटियों को भी अल्लाह ताला ये नसीब करे ब्यूटीफुल एक्साम्पल देखें जी बैक टू जुबैदा नजारों की हंसी तनहाइयों में मैडम नूरजहां और मेहदी हसन का गाना लगाए जी आप उसमें थी बिल्कुल ये थोड़ी सी मैं डिप्रेस हो गई आप जी मैं मतलब चलिए हम आपको ये गाना आ, सुनाते गाना सुनाते, सुनाते हैं आपको आप फ्रेश आप हो जाए ड्रीम गर्ल हमारे स्टूडियो में मौजूद है मुझे कहते हैं हमेशा और मेरे साथ है ख्वाजा नजमुल हसन और जनाब आप लोगों के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं साथ साथ शामिल करते हैं हमें शोएब ने ज्वाइन किया है और कह रहे हैं कि जी जस्ट यू नैन योर रेडियो एंड दिस इज ऑसम एंड वेलकम टू निशो और इसके अलावा हमें रबिया ने मैसेज किया है एंड रबिया दैट निशो का फेवरेट कलर कौन सा है नेशो हमेशा हमें ज्यादातर ब्लैक में नजर आई है बहुत इनका फेवरेट है जी और उसके बाद लाइट पिंक चूंकि ये तो एवर ग्रीन कलर है और ऑल टाइम फेवरेट है ब्लैक कलर तो पहना ही जाता है तो ये मैं आई ऑल्सो लाइक ब्लैक कलर जी खान निशो कोई और शेयर हो जाए जी आ, <coughs> सार कॉन्फ्रेंस में मैंने अपना कलाम पढ़ा था लखनऊ में अच्छा और वो गजल मैं आपको सुनाती हूँ जुदाई के मौसम सताने लगे हैं जुदाई के मौसम सताने लगे हैं वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं तखैल की परवाज को कैसे रोकूं? वो गोया मेरे घर फिर आने लगे हैं मैं बिखरी हुई थी मैं फिर जी उठी हूँ वो फिर मुझको सपने दिखाने लगे हैं बपाहषर महफिल में होने लगा है वो हर समत जलवे लुटाने लगे हैं मेरे सामने बैठकर चुपके चुपके वो माजी के किस्से सुनाने लगे हैं निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं मनाने में जिनको जमाने लगे वाह 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 थैंक, वा, थैंक यू सो अच्छा अब मैं एक और बात अमीशा आपको बताऊं कि निशो ने बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है हसन तारिक ले लें हाँ। शहजाद वो उनको ले लें यानी इकबाल शहजाद से लेके जो भी बड़े बड़े मैं आज इनसे पूछूंगा जी पहले इकबाल शहजा साहब थे एजुकेटेड बड़े डिसेंट और बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और जुनून की हद तक उन्हें लगाव था बहुत सारी फिल्में बनाई बेटी बनाई बंजारन बनाई और फिर मेरी फिल्म बाजी बनाई उसके बाद रंगीला थे रंगीला तो मल्टी टैलेंटेड आदमी था वो ऐसी इतना टैलेंट और इतनी क्वालिटीज बहुत कम लोगों में होती हैं ए, हीरो रंगीला राइटर रंगीला डायरेक्टर रंगीला म्यूजिक डायरेक्टर रंगीला सिंगर रंगीला एग्जीबिटर रंगीला मतलब इतने <laughs> रंग इतनी क्वालिटीज एक शख्स में होना जो हाँ। ये तो, तो बहुत उसके बाद मेरी तीसरी फिल्म रियाज शाहिद के साथ हसन तारिक ने फिर बाद में मैं छोटी उम्र में खलील जबरान को पढ़ती रही हूँ अच्छा। तो मुझे उनमें खलील जबरान का टच नजर आता था वो रंग नजर आता था तो मैं सोचती थी, थी कि कितना कितना खूबसूरत लिखते हैं लेकिन जिंदगी ने उनसे वफा नहीं की बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई मैंने और मुझे उन्होंने कहा था मुझे प्यार से कहते थे पुत्र मैं जिनिया फिल्मा बनावांगा तो वह चिरन आएंगी तो मतलब <laughs> ये उनका प्यार फिर था सोसाइटी गर्ल संगीता संगीता फिर उसके बाद संगीता आ, संगीता वो भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई अच्छी डायरेक्ट और उसके बाद संगीता फरीद अहमद फरीद अहमद साहब बहुत डिसेंट आदमी बड़े क्वालिफाइड आदमी और डायरेक्शन को वो बिल्कुल ऐसे एक उनका पैशन था डायरेक्शन बड़े बाप के बेटे थे और खुद भी बड़े अच्छे अच्छे काम करने वाले थे पूरी इन्वॉल्व होके पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम सब एक गाना थे। हो जाए फिर जी एक गाना अच्छा अब क्योंकि इख्ताम की तरफ हम पहुंच रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि बाजी का एक गाना जो हमने मिस किया है आशिया जल गया गुलसता जी आज तो भी वो हिट है बिल्कुल सुनते हैं टाइम में खुश आहमदी जनाब ख्वाजन अमी शाह और हमारे साथ ड्रीम गर्ल मौजूद हैं लाहौल स्टूडियो में सुपर हिट एंड द्यूरी और कहते हैं कि जी जिस दौर में इनको साइन करते थे वो इनको साइन करने से पहले कह दिया जाता था ये फिल्म हिट ये बड़ा इंस्टॉमेंट था आपके लिए और इस हवाले से मैं मैसेजेस भी काफी रिसीव कर रही हूँ और ट्रिपल एट वन पर भी आप लोगों के मैसेजेस के साथ साथ फेसबुक स्लाइव सुनो पाकिस्तान पर आप लोगों के जो कमेंट्स मिल रहे हैं हमें मेलोडी टाइम के लाइव स्टेटस पर उनको भी साथ साथ शामिल करते हैं अच्छा हमें गजल ने मैसेज किया है और कह रही हैं कि जी शो बहुत अच्छा जा रहा है गाने बहुत, आ, ओल्ड गोल्ड। गाने बहुत बहुत ओल्ड ओल्ड इज़ इज़ गोल्ड गोल्ड अच्छे हैं ऑलवेज और इसके अलावा जनाब हमें रुबाब ने मैसेज किया अच्छा ये हमारी बड़ी रेगुलर लिसनर हैं हमेशा हमें पार्टिसिपेट करती है हमारे शो में और पसंद भी करती हैं हमारे शो को गुलाम हैदर ने अप्रिशिएट किया है शो में और निशो को वार्म वेलकम कहा है Thank और you. कह रही हैं कि जी आ, निशो का आ, की एक्टिविटीज फिल्म के अलावा क्या है मेरी फिल्म के अलावा जो एक्टिविटीज है शॉपिंग करना अच्छा। कभी विंडो शॉपिंग कभी सचमुच जाकर अंदर से जा चीजें खरीद लेनी, और इसके अलावा कुकिंग इज माय पैशन मैंने खाया इनका। अच्छा। बहुत अच्छा पकाती है। देखिए कितनी खूबसूरत चीज नजम साहब गए सही कहा रोमांटिक और वो मैं हर चीज को बड़े खूबसूरत ना इनके मुशायरे के

मेरे वो वो मेरे और इसी हसीन यादों के साथ हम खत्म करें कुछ थोड़ा सा कहना कोई मैसेज देना चाहेंगे आप गाने से पहले जी बस यही कहूंगी की जो फनकार हैं और फनकार और प्रस्तार का रिश्ता बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जिंदगी और रूह का रिश्ता हो क्योंकि अगर आप लोग हमें इनक्रेज ना करें हमें प्यार ना करें रिस्पॉन्स ना दें वी आर नथिंग विदाउट यू तो आप लोगों की जो मोहब्बत है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है थैंक so so <laughs> हाँ, यू <laughs> <laughs> so wow. so सो मच और हमारी महफिल सुनो एफ एम एच नाइन पॉइंट इट्स वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर निशो और ये बहुत ही खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है मेरा सनम थैंक यू थैंक यू जी तो इसी पर इस गाने पर हम इस शो का अख्तितम करते हैं आप लोग सुनते रहिए सुनो एम एरी नाइन पॉइंट फोर देखते रहिए सुनो डिजिटल और इसी तरह हमें कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू बताते रहिए दैट यू आर इन्जॉइंग दिस शो अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल फिर किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे मेलोडी टाइम में अमीशा और ख्वाजा नजम को दीजिए इजाज़त अपना ख्याल रखिएगा खुदाए पमान एंड लव यू time